इसमें ये तय हुआ था कि 50 बेड यहाँ पड़ेंगे, जिसमें यहाँ मरीज भर्ती होंगे, 24 घंटे यहाँ मरीजों को सुविधा मिलेगी। परंतु प्रशासन और शासन का कतई इस यूनिट पर ध्यान नहीं है। करोड़ों रुपया सरकार का और जनता का बर्बाद हो चुका है। और जो कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के हैं, उनकी स्थिति ज़रूरी है कि वो क्वार्टरों में आके आराम से रह रहे हैं। जनता मरीज को कोई सहूलियत नहीं, जबकि अगर ये यूनिट चालू हो जाए तो कम से कम मैं समझता हूँ शहर की जो मध्य और किनारे की जो आबादी यहाँ है, 30,000 जनता इससे लाभान्वित होगी। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिलकर ज्ञापन भी देंगे इस संबंध में कि इस यूनिट को अविलंब चलाया जाए, जो इसके मानक हैं उसके अनुरूप। मानक के अनुरूप कतई नहीं चल रहा है। एक दो डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर ही पूरे नहीं हैं, पूरे डॉक्टर नहीं हैं, पूरी सुविधाएँ नहीं हैं, जो कि 50 जब इसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि 50 बेड यहाँ होना चाहिए, मरीज़ की भर्ती होना चाहिए, 24 घंटे ये चलना चाहिए, तो वो तो कहीं चल नहीं रहा है। सुबह 8 बजे से वो 12-1-2 बजे तक अपना चलता है। जो डॉक्टर हैं अपने, जो भी उपलब्ध शासन करा रहा है, उनकी जो सेवाएं हैं वो अपने दे पा रहे हैं, बेचारे जैसे भी दे पा रहे हैं। ये स्थिति है। क्वार्टरों का क्या मसला है? क्वार्टर में तो अभी पता ही नहीं है कि अलर्ट हैं या नहीं है, किनको अलर्ट हैं किनको अलर्ट नहीं है, लोग ऐसे ही आके रहने लगे हैं। आप जानकारी कर लीजिए। क्वार्टर पूरे तौर से जो विधिवत अलर्ट होना चाहिए वो क्वार्टर अलर्ट नहीं है। सरकार जो भी सुविधाएं हैं वो दे रही है, लेकिन शासन से अभी काम नहीं हुआ है इसका। क्या क्या काम होना है? पहली बात तो इसकी स्वीकृति नहीं है पूरी, इसको मैं अपने बिहाफ पे चला रहा हूँ क्योंकि मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई, उसमें चलता था ये तो सामने। इसके लिए आपने बाहर ऊपर के अधिकारी को लिखा है? सबको लिखा है। किसको लिखा है? डीजी साहब तक को लिखा है, वो अपने हाथ से दे के आया हूँ। हमारे जनपद इटावा में ट्रॉमा सेंटर कार्यरत है और वहाँ जो स्टाफ चाहिए, स्टाफ में स्पेशली डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है। ट्रॉमा सेंटर में 24 आवर्स डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। वो चूँकि हमारे जिला अस्पताल में टोटल मिला के 14 ही डॉक्टर्स हैं और वो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, इमरजेंसी भी कर रहे हैं और ओपीडीज भी कर रहे हैं, सर्जरी भी कर रहे हैं, वही लोग जो है ट्रॉमा सेंटर में देख रहे हैं। जो अर्जेंसी आती है वो मैनेज कर जा रहा है। ट्रॉमा सेंटर में बिल्कुल अलग से ही एनेस्थेटिस्ट राउंड द क्लॉक होना चाहिए, 8 आवरली अगर हो तो कम से कम 3 होना चाहिए। 4 एनेस्थेटिस्ट हैं, 4 सर्जन्स हैं, 4 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं। इस तरह से बहुत बड़ा स्टाफ की ज़रूरत है, इस डॉक्टर्स की शॉर्टेज है।